लो बैक पेन या कमर दर्द बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो यह बहुत घातक हो सकता है, बहुत सीवियर रूप ले सकता है। आइए जानते हैं इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और ये कितना खतरनाक हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। मैं हूं सीनियर स्पाइन कंसल्टेंट जयपुर में। कमर दर्द एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट 80% लोगों को हमेशा अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी लो बैक पेन या कमर दर्द हुआ ही होता है। ज़्यादातर लोग इसे मस्कुलर पेन समझकर अपना लोकल ट्रीटमेंट लेते हैं या इसको इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये घातक भी सिद्ध हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये बताना चाहूँगा। मेरे एक मित्र के पड़ोसी के बेटे को कमर दर्द हो रहा था और वो तकरीबन 4 से 5 महीने से लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा था। उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, लेकिन एक दिन अचानक उसके पैर चलना रुक गए, तब जाके उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और जांचों के बाद ये पता चला कि उसके रीढ़ की हड्डी में टीबी हो गया था, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी गल गई थी और पैरों में लकवा आ गया। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रीढ़ की हड्डी में दर्द होने का कारण सिर्फ पोस्चरल या मस्कुलर नहीं होता है। हालांकि ज़्यादातर केस पोस्चरल या मस्कुलर केसेस पेन के होते हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरे कारण हो सकते हैं, या तो स्लिप डिस्क होना, या स्लिपिंग स्पाइन होना, या रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन होना, जो कि मोस्ट कॉमनली टीबी की वजह से होता है, या रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर होना, या रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लगने की वजह से फ्रैक्चर होना और नसों का दबना। सभी को ये जानना ज़रूरी है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमें एक कॉमन लो बैक पेन हो रहा है या कोई सीवियर प्रॉब्लम की वजह से लो बैक पेन हो रहा है। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं। रेड फ्लैग साइंस होते हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि ये पेन किसी घातक वजह से हो सकता है। ये रेड फ्लैग साइंस क्या हैं? जैसे कि अगर आपको कोई भी दर्द 1 महीने से ज़्यादा लगातार हो रहा है और नॉर्मल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी बढ़ रहा है या ठीक नहीं हो रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग साइन है। अगर आपको कोई भी दर्द फीवर के साथ में आ रहा है या वेट लॉस के साथ में आ रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग साइन है। ये इन्फेक्शन या ट्यूमर हो सकता है, तो आपको इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपका कमर दर्द कमर से उतर के पैर में जाने लग रहा है, पैर में कोई सूनापन या कमजोरी लगने लग रही है, तो ये एक रेड फ्लैग साइन है। ये स्लिप डिस्क का या नसों के दबने का एक इंडिकेशन है। अगर आपको कोई दर्द ओल्ड एज में हो रहा है, जैसे कि 70 साल की उम्र के बाद में हो रहा है, या बहुत कम उम्र में हो रहा है, जैसे कि 18 साल से पहले हो रहा है, तो ये पेन नॉर्मल मस्कुलर नहीं होता। ये इसका चांसेस घातक बीमारी के होने के भी हैं। अगर आपको पहले कभी कोई कैंसर की हिस्ट्री रह चुकी है और लंबे समय से दर्द है, तो ये भी एक रेड फ्लैग साइन है। तो ये रेड फ्लैग साइन ये इंडिकेट करते हैं कि आपका पेन किसी सीरियस वजह से हो सकता है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उससे संबंधित जांचें करानी चाहिए और ये रूल आउट करना चाहिए कि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं हो रहा, ये मस्कुलर या पोस्चरल पेन ही है, जो कि ज़्यादातर केसेस में मेडिसिन्स और फिजियोथेरेपी के द्वारा ठीक किया जा सकता है।